मेरा घर। चलिए जी, ये मेरा घर है, लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं 6 साल के बाद अपने गांव जा रही हूँ। तो मेरा गांव कैसा है, मेरा गांव में घर कैसा है, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यदि ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूँ पहले कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही हैं, पापा जा रहे हैं, चाचा जी जा रहे हैं। एंड मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि हम लोग ब्राउन को भी सोच रहे हैं कि अपने गाँव ले जाएँ, तो आज हम लोग ब्राउन को भी लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, सब सामान अभी हम लोग गाड़ी में रखेंगे और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 9 बज गया है। तो अब निकलना चाहिए क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा, हम लोग को जाने में ही 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास लग जाएगा घर पहुंचने में। तो 2 घंटा तो बहुत ज़्यादा समय होता है, इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना होगा, तब तो हम लोग थोड़ा मस्ती भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग के साथ। सो गाइज, वी आर रेडी एंड अभी मैं जा रही हूँ नीचे, सब लोग चले गए हैं, मैं ही हमेशा लेट रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं। रेडी, यहाँ पे सब लोग गार्डन बैठ गए हैं। गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुके हैं क्योंकि सबको चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो गया था, थोड़ा थकावट जैसा फील हो रहा है, मम्मी का सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था इसलिए। और यहाँ ब्राउन को कुक करने की पापा बाहर डिक्की में से सामान निकालने गए, इसका पूरा रहता है मस्ती। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे, उसके बाद सफर कंटिन्यू करेंगे। गाइस, यहाँ पे चाय निकल रहा है, गरम गरम चाय, तो हम लोग पीने वाले हैं। देखिए चाचा चाय निकाल रहे सबके लिए, पापा के भी बैठल है। और यहाँ मम्मी क्या सोचते रहती है पता नहीं, हम किसी पे भी। तो गाइस चाय, चेश गाइस, चाय पी रही है मम्मी, मैं आप भी पी लीजिए चाचा, ऐसे मत देखिए मेरे चाय को। छुप छुप के चाय क्यों पी रही हो मम्मी? हाँ छुप के पी रहे, मेरी मम्मी को ठंडा बहुत लग रहा है, सुधर गया सारी बात है ना। अभी तो आप मेरा कपड़ा का कल्याण करते थे चाचा, मस्ते तो कर बैठे हैं। देखिए अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और ब्राउन बैठ गई है पापा के गोद में। ब्राउन, पापा को ड्राइव नहीं करने दोगी क्या? नहीं जाना है घर जल्दी? चल 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 पीछे, आ जाओ पीछे, जो पीछे आ जाओ, जो आ जाओ, जो है ब्राउन घूमती है याद कर रही। सो गाइस, यहाँ है पुनपुन नदी जो देख सकते हो आप लोग। चलिए, तो ये है पुनपुन नदी, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है नदी। सो गाइस, यहाँ पे ईटा का वो बनता है भट्टी, चीनी ईटा का फैक्ट्री, यहाँ पे गाइस ईटा बनता है, देख सकते हैं आप लोग। यही रास्ता वाला है, देख सकते हैं। माय गॉड, रास्ता थोड़ा खराब है इसलिए आप लोग को थोड़ा अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। गाइस देखिए, हम लोग ब्राउन भी मस्त है गाड़ी में, चाचा यहाँ पे, पापा ड्राइविंग कर रहे हैं एंड दादा भी आए हैं हम लोग के साथ, आप लोग देखे नहीं थे। दादा का लास्ट टाइम में प्लान बना के चलेंगे हम भी, तो लास्ट में वो आए तो हम पहले इंट्रो शूट किए थे इसलिए मैं आप लोग को बता नहीं पाई थी। तो गाइज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गांव, वो जो आप लोग को एकदम दूर में दिख रहा होगा वो हम लोग का गाँव है और ये है रास्ता। तो हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, हम लोग को बस 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगेगा अपने गांव में इंटर करने में। गाइस, ये सब है धान रखा हुआ सजा सजा करके गांव से। सो अब मेरा गांव जल्दी आने वाला है,
वो जो आप लोग को गांव सा दिख रहा है वो मेरा ही गांव है हम लोग का। हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में, इंटर कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता खराब है इसलिए कैमरा हिल रहा है। एंड ये हमारा गांव आ गया, यहाँ से एंट्री हमारे गांव की। मम्मी अपना सर पे पल्लू रख ली है। सो गाइस यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, एकदम प्रॉपर जो गांव बोला जाता है ना, एकदम देहाती वाला गांव वो है हम लोग का। बट अभी तो बहुत सारा घर बन गया है, सही है। देख सकते हैं गाय वाय भी है बहुत ज़्यादा। मैं 6 साल बाद आई हूँ लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। 6 साल में? हाँ। तो गाइस यहाँ रोड नहीं था पहले जब मैं आई थी। और ये है मेरा घर। चलिए जी, ये मेरा घर है, समाप्त हो गया। ये मेरा घर है गाइस, टूटा फूटा क्या होता है। पापा उतर गए हैं गाड़ी से। और ये ब्राउन को देखिए, पूरा बेचारा रोई थी उस दिन, भी रोई थी ना गाइस। आ पकड़ी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग को यही पे लग गया क्या? नहीं, पीछे लग गए। हाँ देखिए, एक डॉगी भी आ गया है। ये ब्राउन को मैं भी तंग करे। सॉरी, यहाँ मम्मी पहुँच गई हैं। और ये है मेरा घर। ओह माय गॉड, देख सकते हो गाइस, खूबसूरत सा गेंदा का फूल, कितना सारा फूल खिला हुआ है देख सकते हैं आप लोग। और इसमें अभी कली नहीं आई, मतलब कली बहुत सारा आ गया है बट फूल नहीं खिला है। और ये है हमारा खाड़ी। और मम्मी पपीता कितना सारा फरा हुआ है, अपना ही है ना, मेरा ही पपीता है। ये सब पेड़ मेरा है गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये सब मेरा ही है। ये क्या लीची वाला पेड़ है ये, देखिए गाइस, ये लीची का पेड़ हम ही लोग लगाए हैं। और ये आम का भी पेड़, एंड ये पपीता का पेड़। और ये क्या है गाइस, ये है मेरा शीशम का पेड़। हाँ तुमको तोड़ना है। सो गाइस ये आप लोग बोल दे गाइस, देख सकते हो ये पपीता का पेड़ है, इसमें पपीता फरा हुआ है, उसमें ज्यादा है तो हम लोग तोड़ेंगे। तो गाइस गेट खुल गया, अब हम लोग इंटर करेंगे। सबसे पहले ब्राउन जा रही है। गाइस यहाँ है ऐसे बना हुआ, देख सकते हो आप लोग। और ये सीढ़ी के नीचे का प्लेस है। एंड ये हॉल कह सकते हैं आप लोग, ये हॉल है। पापा पूरा गंदा गिरा दिए। यहाँ पे घड़ी है जिसमें टाइम बता रहा है। घर का हालत देखिए, मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, देख सकते हो कैसा हम लोग का घर का हालत हो चुका है। अब बस 1 साल से कोई यहाँ नहीं रह रहा है, उसके पहले मेरी दादी रहती थी, दादा। और ये है पूजा रूम हम लोग का, जहाँ दादी पूजा करती थी। और यहाँ है एक बक्सा, एंड इधर है एक ड्रम। बाकी ऐसा ही है, देख सकते हैं आप लोग। देन इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। किसी भी रूम में गेट नहीं है गाइस, देख सकते हो आप लोग, यहीं हम लोग रहे हैं। बचपन मेरा यहीं पे गुजरा है, तो मेरा पूरा बचपन यहीं पे हम लोग गुजारे हैं। ये रूम अभी ताला लॉक है, खुलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। एंड ये एक रूम है, यहाँ एक पलंग लगा, उस पर बिछावन है, कुछ बर्तन है जो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे गैस सिलेंडर है। और यहाँ का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब हम लोग आते हैं तो हम तो नहीं आते, मम्मी पापा आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं यहीं पे, मैं तो आती ही नहीं हूँ।
देख सकते हो आप लोग, इस तरह से हमारा घर है, चेयर, और ये हमारा सीढ़ी है ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ पे ये टूटा हुआ खिड़की। मतलब पूरा गांव में हम लोग बहुत ही कैसे कंडीशन में रहते होंगे बचपन में, आप लोग देख सकते हो। ये है छत का सीढ़ी, सीढ़ी का हालत भी पूरा खासा हो गया है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ मेरी मम्मी बैठ गई हैं आकर, और ये मेरी ब्राउन है। यहाँ तुलसी जी था, और दादा के लिए रो रही है। और ये है प्रॉपर छत, और यहाँ पे है खपड़ा का छत, जो सीढ़ी का ऊपर का चौतल्ला होता है उसको कवर किया हुआ है। एंड ये है ऊपर का घर जिसमें खाना बनता था, चूल्हा पे, मिट्टी का चूल्हा, यहाँ देख सकते हो गाइस आप लोग। और यहाँ भी एक पलंग है जिसपे दादा दादी सोते थे अक्सर ऊपर में। एंड यहाँ पे कुछ सामान है। तो यही हमारा घर था, और अभी भी हम लोग ऐसे ही घर में रहते हैं जब भी गांव में आते हैं। सो गाइस, यही हमारा घर है, छोटा सा, थोड़ा पुराना है, टूटा फूटा घर है, बट हमारा बचपन यहीं गुजरा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए, यहाँ 6 साल के बाद आना, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। इतने दिन तक नहीं आए थे, क्या बोलूँ मैं, कुछ मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, अजीब ही सा लग रहा है। इतना टाइम, मतलब पूरा बचपन यहाँ गुजारने के बाद अभी आई हूँ। ऐसे ही घर में हम लोग रहे हैं, ऊपर खपड़ा है, देख सकते हो आप लोग, पूरा खपड़ा का छत है। तो ऐसा ही घर है हमारा। कैसा लगा आपको हमारा ये घर, टूटा फूटा है, बट जो भी है अब यही है, यही है हमारा अपना घर, मेरे गांव का घर, जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ इतने टाइम के बाद। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस कंडीशन में अभी रहते हैं वैसे पहले नहीं थे, मतलब पहले तो हम लोग का कंडीशन इतना ख़राब था। आप लोग देख सकते हो घर, हम लोग का ये घर ऐसा ही है, थोड़ा सा तो रहने के नहीं रह रहे हैं लोग, तो थोड़ा इस तरह से कंडीशन हो गया है, बट ऐसा ही घर था हम लोग का। मेरी मम्मी, हम लोग सारी सिस्टर भाई बहन सब यहीं हम लोग पूरा बचपन गुजारे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोग के लिए मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे सब शूट की। तो एक मेमोरी जो बहुत दिनों से था कि मैं नहीं गई हूँ, बट आज मैं आके पूरा बचपन अपना फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, क्योंकि अभी पूरा साफ़ सफाई करना बाकी है।